हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज एंड वेलकम टू एआईओ टेक्निकल पंकज। और आज मैं आपको बताऊंगा एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग लैन केबल। सो लेट्स बिगिन। आप देख सकते हो हमारे पास दो लैपटॉप हैं। अब हम सबसे पहले इन दोनों लैपटॉप को लैन केबल से कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो ये लैन पोर्ट है और ये लैन केबल है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हो ये दूसरे लैपटॉप का लैन पोर्ट है। अब इसमें हम लैन केबल कनेक्ट करेंगे। आपको इन लोगों को प्लस आर प्रेस करना है और टाइप करना है कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। अब आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है, फिर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक करना है, फिर आपको चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पर क्लिक करना है। फिर आपको प्राइवेट पर क्लिक करना है, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को सेलेक्ट करना है, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को सेलेक्ट करना है। फिर आपको गेस्ट और पब्लिक पर क्लिक करना है और टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी को सेलेक्ट करना है और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को सेलेक्ट करना है। फिर आपको ऑल नेटवर्क्स पर क्लिक करना है, टर्न ऑन शेयरिंग को सेलेक्ट करना है, टर्न ऑफ पासवर्ड को सेलेक्ट करना है एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। अब आपको ईथरनेट पर क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर डबल क्लिक करना है। फिर आपको यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस को सेलेक्ट करना है, आईपी एड्रेस में टाइप करना है 192.168.1.20 और आपको सबनेट मास्क के कॉलम पर क्लिक करना है, तो फिर सबनेट मास्क ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आपको डिफॉल्ट गेटवे में टाइप करना है 192.168.1.21। फिर आपको प्रीफर डीएनएस में टाइप करना है 8 8 8 और 8 एंड ओके पर क्लिक करना है, ओके और क्लोज। और सेम प्रोसेस हमें सेकंड पीसी में करना है विद डिफरेंट आईपी। अब हम सेकंड पीसी पर आ चुके हैं, तो चलिए फटाफट इसकी भी कर लेते हैं सेटिंग। आपको यहाँ आईपी एड्रेस थोड़ा अलग एंटर करना है, जैसे 192.168.1.21 जो कि हमने फर्स्ट पीसी में 20 एंटर किया था। अब हमें डिफॉल्ट गेटवे में एंटर करना है 192.168.1.20 जो कि हमने फर्स्ट पीसी में 20 की जगह 21 डाला था। अब हमें प्रीफर डीएनएस सर्वर में डालना है 8 8 8 और 8 एंड ओके ओके और क्लोज। अब आपको जो फाइल शेयर करनी है
उस पर राइट क्लिक करना है और फिर गिव एक्सेस टू पे जाना है और फिर स्पेसिफिक पीपल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एवरीवन और ऐड बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको रीड पर क्लिक करना है और फिर रीड राइट को सेलेक्ट करना है एंड शेयर बटन पर क्लिक करना है एंड डन पर क्लिक करना है। अब हम फर्स्ट पीसी पर आ चुके हैं, अब हम फाइल को एक्सेस करेंगे जो हमने सेकंड पीसी में शेयर की थी। उसके लिए आपको जाना है माय कंप्यूटर पर और नेटवर्क पर क्लिक करना है, फिर आपको वेट करना है और आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ दोनों पीसी शो हो रहे हैं और ये फर्स्ट पीसी है और ये सेकंड पीसी। तो अब मैं सेकंड पीसी पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो जो जो फोल्डर मैंने शेयर किए थे वो यहाँ शो हो रहे हैं। तो आप टेस्ट फोल्डर भी देख सकते हो जो मैंने ये शेयर करके दिखाया था। तो अब मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये फाइल ओपन हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ या फिर कॉपी या फिर इसे एडिट भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको इसे कॉपी करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फाइल कॉपी हो चुकी है। और अगर मैं पीसी से कोई फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए फाइल मैंने कॉपी की और मैंने सेकंड पीसी पे गया और टेस्ट फोल्डर पे गया और यहाँ पेस्ट कर दी, तो ये फाइल आपको सेकंड पीसी में भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल पर एवरीवन शो नहीं हो रहा है तो आप फोल्डर पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके फिर आपको शेयरिंग पर क्लिक करना है, एडवांस शेयरिंग और शेयर दिस फोल्डर पर क्लिक करना है, फिर परमिशन में आपको जाना है। और अगर आपको यहाँ पे एवरीवन शो नहीं हो रहा है तो ऐड पर क्लिक करना है और यहाँ लिखना है एवरीवन और चेक नेम पर क्लिक करना है और फिर ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एवरीवन आ जाएगा, फिर आपको फुल कंट्रोल पे क्लिक करना है और फिर अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके और फिर अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है और क्लोज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो हमारी फाइल शेयर हो चुकी है और यहाँ शो हो रही है। तो आप इस तरह से भी फाइल को शेयर कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट हैं या आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।